हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट एमसीक्यू ऑफ 24 नवंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था, हु वर्चुअली इनॉग्रेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ पीएम एफएमई स्कीम। किसने वर्चुअली इनॉग्रेट किया कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट को पीएम एफएमई स्कीम का? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी डीवी सदानंद गौड़ा, ऑप्शन सी थावरचंद गहलोत, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर। जो यूनियन मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम का। उन्होंने लॉन्च किया है ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जीआईएस ओडीओपी डिजिटल मैप ऑफ इंडिया को। ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट है पीएम एफएमई स्कीम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट NIFTEM और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी IIFPT, ये जो है दोनों प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग और रिसर्च सपोर्ट, ताकि मास्टर ट्रेनर जो है वो प्रोवाइड करे फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी और स्किल इनिशिएटिव को बूस्ट करने में मदद मिले। अब हम फैक्ट देख ले तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, इसके वाइस चांसलर डॉक्टर चिंडी वासुदेवा है और लोकेशन सोनीपत हरियाणा पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, इसके डायरेक्टर डॉक्टर आनंदा राम कृष्णन चिन्ना स्वामी, लोकेशन थंजौर तमिलनाडु पर है। नरेंद्र सिंह तोमर जो आपका ऑप्शन था वो यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। डीवी सदानंद गौड़ा यूनियन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। और थावरचंद गहलोत यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 24 नवंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 24 नवंबर इज ऑब्जर्व एज, 24 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सार्डिनेस डे, ऑप्शन बी वर्ल्ड सॉइल डे, ऑप्शन सी इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सार्डिनेस डे। जो 24 नवंबर है उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है सार्डिनेस डे। सार्डिनेस जो है ओरिजिनली इसका नाम मेडिटेरियन आइलैंड ऑफ सार्डिना से पड़ा था। ये जो इंग्लिश टर्म है ग्रेकियन हिस्ट्री से लिया गया था वर्ड, जहां पे डिस्क्राइब किया जाता है रेड कलर ऑफ फिश को, और जो रीजन है सी का उससे। ये जो है लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन जो कि पाया जाता है फिश में, कंबाइंड विथ उसके एफिकेसी के साथ जो पैकेट और शिप किया जाता है अलग अलग जगह पर रीजन पे सेंचुरीज के दौरान, इस कारण मनाया जाता है। अब जो आपका ऑप्शन था वर्ल्ड सॉइल डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है 5 दिसंबर को, और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, विच सिटी बिकम फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू गेट ISO सर्टिफिकेशन फॉर FSSM सर्विस। कौन सा सिटी पहला सिटी बन गया इंडिया का जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिला है फेशियल स्लज एंड सेप्टेड मैनेजमेंट सर्विस के लिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कि कैपिटल है ओडिशा का, वो पहला सिटी बन गया कंट्री का जिसको ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन मिला है फेशियल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट सर्विस के लिए। भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो पहला सिविक बॉडी है जिसने इंप्लीमेंट किया फेशियल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट रेगुलेशन को ओडिशा पे। नेशनल पॉलिसी जो है फेशियल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट जो है वो क्या बोल रहा है, इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा 2017 में। इसका ऑब्जेक्टिव था कि वो इंश्योर करे कि हर एक इंडियन सिटी और टाउन जो है वो टोटली सैनिटाइज हो, हेल्थ एंड लिवेबल हो, और इंश्योर करे सस्टेनेंस ऑफ गुड सैनिटेशन प्रैक्टिस को। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो ओडिशा के सीएम आपके नवीन पटनायक है और गवर्नर गणेशी लाल। मुंबई जो कि आपका महाराष्ट्र का एक सिटी है उसके सीएम उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। जयपुर राजस्थान का सिटी है, उसके सीएम अशोक गहलोत है और गवर्नर कालराज मिश्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट टू रिलीज रोडमैप फॉर सेल्फ रिलायंस। कौन सा स्टेट पहला स्टेट बन गया जिसने रिलीज किया है रोडमैप सेल्फ रिलायंस के लिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। जो चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया थ्री ईयर रोडमैप आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 जो कि एमपी को सेल्फ रिलायंट बनाएगा। एमपी जो है वो पहला स्टेट बन गया जिसने रिलीज किया है रोडमैप फॉर सेल्फ रिलायंस के लिए अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। ये जो रोडमैप है वो फोकस करेगा ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस में, फार्म वेलफेयर पे, जॉब क्रिएशन पे, और बूस्ट करेगा इंडस्ट्री एंड हेल्थ केयर सेक्टर को। जो प्लान है कि वो अचीव करे सेल्फ रिलायंस थ्रू एमएसएमई कॉरिडोर, साथ साथ चंबल एक्सप्रेस एंड नर्मदा एक्सप्रेस, इंश्योर करेगा कि 100% डोमेस्टिक टैप वाटर कनेक्शन जो है प्रोवाइड किया जाए। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो केरला के सीएम पिनरई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर यहां के भी आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, दिल्ली गवर्नमेंट एंड विच इंस्टीट्यूशन इंक पैक्ट टू एम्पावर यूथ विद स्किल एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। दिल्ली गवर्नमेंट ने और किस इंस्टीट्यूशन ने पैक्ट साइन किया ताकि वो एम्पावर करे यूथ को स्किल एंड जॉब अपॉर्चुनिटी से? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है यूनिसेफ, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक,
ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूनिसेफ, दिल्ली गवर्नमेंट डायलैक्ट एंड डेवलपमेंट कमीशन। और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो है उन्होंने मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल प्लेटफॉर्म युवा जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ताकि वो इम्पावर करे यूथ को स्किल एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज है। ये जो मऊ है वो साइन किया गया जैस्मिन शाह जो कि वाइस चेयरपर्सन थे डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन एंड यस्मिन अली हक जो कि यूनिसेफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे प्रेजेंस ऑफ मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली के प्रेजेंस में। ये जो मऊ है वो स्ट्रेंथन करेगा रोजगार बाजार पोर्टल को जो कि लॉन्च किया गया था जुलाई 2020 में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जॉब सीकर्स के लिए। ये एड्रेस करेगा जो चैलेंज है जॉबलेसनेस का कोविड 19 के कारण और सेंटर के अनुसार जो मॉनिटर कर रहा है इंडियन इकोनॉमी को इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 8.35% था अगस्त 2020 पे और जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है 9.83% था जबकि रूरल 7.65%। अब युवा का मकसद है कि इम्पार्ट करे वो स्किल और प्रोवाइड करे इम्प्लॉयमेंट यंग पीपल को इंडिया पे जिसका एज जो है वो 10 से 24 ईयर्स के बीच में है। यूनिसेफ को हम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के नाम से भी जानते हैं। ये यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एड चिल्ड्रन को वर्ल्ड वाइड। जो एजेंसी है वो वाइड स्प्रेड रिकॉग्नाइज किया गया है सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरे वर्ल्ड में। हेडक्वार्टर जो है यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है और इसके हेड जो है हेनरिटा एच फोरे है। फाउंड किया गया था यूनिसेफ को 11 दिसंबर 1946 में। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का जिसका मकसद है प्रमोट करना वर्ल्ड के पीस को और सिक्योरिटी को इंटरनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से एजुकेशन साइंस और कल्चर के फील्ड पे। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसके हेड ऑड्रे अजोले है और यूनेस्को को फाउंड किया गया था 16 नवंबर 1945 में। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रोवाइड करता है लोन और ग्रांट गवर्नमेंट को लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए जो उनका पर्पस है परस्यू करना कैपिटल प्रोजेक्ट इस कारण ग्रांट देता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में है और इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास है। वर्ल्ड बैंक को फाउंड किया गया था जुलाई 1944 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हु लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम फॉर मैनेजिंग डिफेंस लैंड। किसने लॉन्च किया है पहला इस काइंड का लैंड मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज करने के लिए डिफेंस लैंड को। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी नितिन जयराम गडकरी, ऑप्शन सी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। जो यूनियन मिनिस्टर है डिफेंस के राजनाथ सिंह उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया एक पोर्टल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये पहला एलएमएस पोर्टल होगा जिसको कि डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा साथ में डायरेक्टर जनरल जो थे डिफेंस स्टेट और आर्म फोर्स उन्होंने मदद किया। ये जो पोर्टल है वो मदद करेगा इम्प्रूव करने में जो ओवरऑल मैनेजमेंट है डिफेंस लैंड का। जो पोर्टल है वो डिजिटाइज करेगा सारे रिक्वेस्ट को डिफेंस लैंड मैनेजमेंट का जो कि रिसीव किया जाएगा डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा फ्यूचर पे। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पोर्टल का, तो जो पोर्टल है वो लाएगा ग्रेटर स्पीड ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी डिफेंस डिपार्टमेंट में, रिड्यूस करेगा इनक्रोचमेंट जो डिफेंस लैंड का किया जाता है और मदद करेगा इंप्रूव करने में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। ये जो है डेवलप किया गया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन एसोसिएशन विद डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टेट के द्वारा आर्म फोर्सेस के। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यूनियन मिनिस्टर इसके राजनाथ सिंह है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट श्रीपद येसो नायक। नितिन जयराम गडकरी जो आपका ऑप्शन था वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है और डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हु वॉन AESC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020। किसने जीता है AESC एसोसिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव सर्च एंड लीडरशिप कंसल्टेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 का। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अजीम प्रेम जी, ऑप्शन बी डॉक्टर बीस अग्रवाल, ऑप्शन सी डॉक्टर सतीश मिश्रा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर बीस अग्रवाल। जो डॉक्टर बीस अग्रवाल जो कि चेयरमैन है एकॉर्ड इंडिया के और फाउंडिंग पार्टनर है अल्टो पार्टनर के, उन्होंने जीता है 2020 का AESC एसोसिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव सर्च एंड लीडरशिप कंसल्टेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये पहले ACN है जिनको कि ये रिकॉग्निशन प्राप्त हुआ है। उनको ऑनर किया गया है जो नवंबर 17 से नवंबर 19 तक जो चला था AESC ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था, उस दौरान उनको ये अवार्ड दिया गया। इसके साथ साथ जो विली ई कैरिंगटन है जो कि प्रिंसिपल और फाउंडर है कैरिंगटन एंड कैरिंगटन के और केविन एम कॉनेले जो कि सीईओ है काइनसेंट्रिक स्पेंसर स्वाच कंपनी के, उनको भी मिला है 2020 का AESC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यानी इन तीनों को मिला है। उनको जो आपका बीस अग्रवाल है उनको इसके साथ साथ शिरोमणि अवार्ड भी मिला था फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा और उनको राजीव गांधी एक्सीलेंट अवार्ड भी मिला था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। अब AESC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में हम जान लें तो ये जो अवार्ड है वो दिया गया था पहली बार 1982 पे। ये ऑनर करता है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है और रिकॉग्नाइज करता है जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है वर्क का।
अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो एसोसिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव सर्च एंड लीडरशिप कंसल्टेंट AESC इसको स्टेब्लिश किया गया था 1959 में। इसके प्रेसिडेंट और सीईओ कारेन ग्रीनबॉम है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA पे है। अजीम प्रेमजी जो आपका आया था तभी हाल ही में हुरुन इंडिया एंड एडल लाइफ गिफ्ट फाउंडेशन ने रिलीज किया 7th एडिशन एडल गिफ्ट हुरुन इंडिया फिलोन्ट्रिपरी लिस्ट 2020 का। इसमें अजीम प्रेमजी जो कि फाउंडर और चेयरमैन है विप्रो के, वो टॉप किए थे 2020 के लिस्ट में। जो आपका ऑप्शन था डॉक्टर सतीश मिश्रा, उनको डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड मिला है वो 2020 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉन बुकर प्राइज 2020 फॉर हिज डेब्यूट नॉवल सगी बेन। किनको मिला है बुकर प्राइज 2020 का उनके डेब्यूट नॉवल सगी बेन के लिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉगलास स्टुअर्ट, ऑप्शन बी सर्वजीत सिंह, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉगलास स्टुअर्ट। न्यूयॉर्क बेस्ड स्कॉटिश राइटर जो थे डॉगलास स्टुअर्ट, उनको मिला है बुकर प्राइज 2020 का उनके डेब्यूट नॉवल सगी बेन के लिए, जिसको कि पब्लिश किया गया ग्रोव एटलांटिक के द्वारा यूनाइटेड स्टेट एंड पिकाडर इन यूनाइटेड किंगडम में। सगी बेन जो है स्टोरी एक बॉय का फ्रॉम 1980s का ग्लासगो, जिसके मदर जो थी वो अल्कोहलिक एडिक्शन थी। ये सेकेंड स्कॉटिश राइटर है जिनको कि अवार्ड दिया गया जेम्स कैलमैन के बाद, जिनको बुकर प्राइज मिला था 1994 पे उनके बुक के लिए हाउ लेट इट वॉज हाउ लेट। उनको जो ये अवार्ड मिला है डिफीट करके बर्नार्ड शुगर को, जो कि दुबई बेस्ड इंडियन ओरिजिन ऑथर थे अवनी दोषी। ये जो बुकर प्राइज 2019 का वो जॉइंटली एटवुड फॉर टेस्टामेंट एंड इवास्टी फॉर गर्ल वुमेन के साथ मिला है। अब जो आपका ऑप्शन था सरबजीत सिंह, उनके द्वारा ऑथर किया हुआ बुक है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरी फ्रॉम 1984, शशि थरूर तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉन द एक्जिम बैंक ब्रिक इकोनॉमिक रिसर्च अवार्ड 2020। किनको मिला है एक्जिम बैंक ब्रिक इकोनॉमिक रिसर्च अवार्ड 2020 का? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेविड रेस्क्रीना, ऑप्शन बी व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन सी डॉक्टर एडम यो ल्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर एडम यो ल्यू। डॉक्टर एडम लो यू जो कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनको कि ट्रेन किया गया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उनको मिला है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया एक्सिम बैंक ब्रिक इकोनॉमिक रिसर्च अवार्ड 2020 का, जो उन्होंने PhD रिसर्च इन बिल्डिंग मार्केट विद ऑथोरिटेरियन इंस्टीट्यूशन द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ बैंकिंग डेवलपमेंट इन चाइना किया। ये जो अवार्ड है ये अनाउंस किया गया डेविड रेस्क्विना के द्वारा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है इंडिया एक्जिम बैंक के, ड्यूरिंग 10th एनुअल ब्रिक फाइनेंशियल फोरम ओवर ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। ब्रिक्स इकोनॉमिक रिसर्च अवार्ड जो है, तो ब्रिक इकोनॉमिक रिसर्च अवार्ड जो है इंस्टीट्यूट किया गया था इंडिया एक्जिम बैंक के द्वारा मार्च 2016 में ड्यूरिंग ब्रिक्स फोरम 2016 के अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया एंड अंडर इंडिया एक्जिम बैंक प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक इंटर बैंक कॉपरेशन मैकेनिज्म के। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो ब्रिक्स के मेंबर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। प्रेसिडेंसी जो है ब्रिक्स का 2020 का रशिया कर रहा है, इंडिया एज्यूम करेगा ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी 2021 में, और जो प्रेसिडेंट है इस बार के ब्रिक्स के जो प्रेसिडेंसी करे व्लादिमीर पुतिन है जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के। अब जो आपका ऑप्शन था डेविड रेस्क्विना, ये अवार्ड जो है डेविड रेस्क्विना ने ही अनाउंस किया जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है इंडिया एक्जिम बैंक के। व्लादिमीर पुतिन जो है वो प्रेसिडेंट है रशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय एंड हु साइन $120 मिलियन मेघालय इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन मेघालय। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय एंड किसने साइन किया $120 मिलियन का मेघालय इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को, ताकि इम्प्रूव किया जाए कनेक्टिविटी को मेघालय पे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ADB, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर साइन किया $120 मिलियन का मेघालय इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ताकि वो इम्प्रूव करे और मॉडर्नाइज करे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है मेघालय का। ये जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है CH मोहपात्रा जो कि एडिशनल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, राजीव अरोरा जो कि एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मेघालय के, और हिडेकी मोरी जो कि एक्टिंग कंट्री डायरेक्टर है ऑन बिहाफ ऑफ वर्ल्ड बैंक के। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर Washington DC न्यूयॉर्क में है। इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास है। वर्ल्ड बैंक को फाउंड किया गया था 1944 पे, और जो वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स कंट्री है 189 है, जिसमें कि इंडिया भी है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। इसके प्रेसिडेंट Masasugu Asakawa है। ADB को फाउंड किया गया था 19 दिसंबर 1966 में, और इसके मेंबरशिप 68 कंट्रीज है। IMF इसके मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिनिया गोजीवा है। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ है, और हेडक्वार्टर Washington DC US में है, और IMF को फॉर्म किया गया था July 1944 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु लॉन्चेस कोटेक ESG अपॉर्चुनिटी फंड। किसने लॉन्च किया कोटेक ESG अपॉर्चुनिटी फंड को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी SBI,
ऑप्शन सी आईसीआईसीआई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। कोटेक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड KMAMC ने लॉन्च किया है कोटेक ESG अपॉर्चुनिटी फंड को, जो कि एक ओपन इंडेड इक्विटी स्कीम होगा जो कि फोकस करेगा इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस पे, जो कि एक फैक्टर है प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग का। जो कोटेक ESG अपॉर्चुनिटी फंड है वो मैनेज किया गया है हर्षा उपाध्याय, जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है इक्विटी एंड प्रेसिडेंट के कोटेक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो कोटेक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, इसके MD जो है आपके मिस्टर नीलेश साग है। ये कब ऑपरेशन में आया था तो दिसंबर 1998 में। इसका हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता पे, यानी बाद में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1955 में। चेयरमैन इसके दिनेश कुमार खरा है। ICICI बैंक के CEO संदीप बख्शी है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसको फाउंड किया गया था जुलाई 1994 पे वडोदरा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ICICI बैंक इन पार्टनरशिप विथ होम लॉन्च ICICI बैंक कार्डलेस EMI, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फुल्ली डिजिटल कार्डलेस EMI फैसिलिटी एट रिटेल स्टोर। ICICI बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है ICICI बैंक कार्डलेस EMI, जो कि पहला फुल्ली डिजिटल कार्डलेस EMI फैसिलिटी होगा रिटेल स्टोर के लिए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पाइन लैब्स, ऑप्शन बी अमेजोन, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पाइन लैब। ICICI बैंक लिमिटेड ने पार्टनरशिप किया पाइन लैब के साथ और लॉन्च किया ICICI बैंक कार्डलेस EMI। ICICI बैंक जो है वो इंडिया का पहला बैंक बन गया है और इंडस्ट्री जिसने लॉन्च किया फुल्ली डिजिटल पेमेंट मोड एक कार्डलेस EMI फैसिलिटी एट रिटेल स्टोर पे। पर्पज क्या है इसका, तो ये जो फैसिलिटी है वो एलो करेगा बैंक को कि वो प्री अप्रूव कस्टमर को मदद करे यूज करने में मोबाइल फोन और पेन के मदद से, इंस्टेड ऑफ वॉलेट और कार्ड, कि वो परचेस कर सकते अपने गैजेट और होम अप्लायंस को रिटेल स्टोर पे पूरे भारत में। ICICI बैंक लिमिटेड का फॉर्म किया गया था 1955 में और इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 1994 पे। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो MD है वो है संदीप बख्शी। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। अब पिन लैब इसका हेडक्वार्टर नोएडा UP पे है। इसके CEO PB अमरीश राव है। फाउंडर चेयरमैन जो है लोकवीर कपूर है और फाउंड किया गया था 1998 में। अमेजोन के CEO जेफ बेजोस है। हेडक्वार्टर सीटल वाशिंगटन US में है। नाबार्ड इसको फाउंड किया गया था 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन GR चिंताला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NCRTC एंड हु साइन एग्रीमेंट फॉर $500 million फॉर दिल्ली मीरठ RRTS प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो NCRTC है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और किसने साइन किया एग्रीमेंट $500 million का दिल्ली मीरठ रैपिड रोड ट्रांसपोर्ट के लिए। आपके ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी NDB, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी NDB, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर महुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड NCRTC एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। इन तीनों ने मिलकर साइन किया एक लोन एग्रीमेंट $500 million का दिल्ली गाजियाबाद मीरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो डेवलप करना एक इफिशियंट और सस्टेनेबल रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ताकि रिड्यूस किया जाए ट्रैफिक कंजेशन को। NCR पे जो लोन है NDB के द्वारा वो दिया जा रहा है 25 ईयर के टेन्योर में, जिसमें 8 ईयर का ग्रेस पीरियड भी होगा। जो महुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी होंगे और NCRTC जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगा। जो लेंथ होगा RRTS प्रोजेक्ट का 82.15 किलोमीटर होगा और टोटल कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट का वो $3,759 million है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसके प्रेसिडेंट मार्कोस ट्रोइजो है, ब्राजील के, हेडक्वार्टर शंघाई चाइना पे है। अबाउट वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC न्यूयॉर्क में है। प्रेसिडेंट डेविड मालपास है। फाउंड किया गया था 1944 पे और मेंबर कंट्रीज 189 है, जिसमें कि इंडिया भी है। IMF इसके मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलनिया गोरजीवा है। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US में है। फॉर्म किया गया था जुलाई 1944 पे। अब ये क्वेश्चन है आपका होम असाइनमेंट का, विच कंट्री टॉप इन 2020 ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स बाय ट्रेस। कौन सा कंट्री टॉप में है 2020 का ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स में ट्रेस के द्वारा। आपके ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also, you can stay connected with us and give us your valuable suggestion. Thank you and have a nice day.